उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी लोगों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के टोटल 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाएं यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह सारे प्रश्न ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं। यह बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिसे आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। देखिए, पहले प्रश्न के साथ और पूरे सिलेक्टेड 30 प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, इन सभी को आप अंत तक देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? आंसर करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है और आंसर आप ए ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, परिवार से समाजीकरण का जो पहला पाठ है ये प्राप्त होता है बच्चे के लिए। दूसरा प्रश्न है सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ये सभी। तीसरा प्रश्न, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सबसे उत्तम माना गया, अर्थात सर्वोत्तम माना गया? तो ए ऑप्शन है आपका, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। बी है, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। सी है, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। डी है, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना रहना। बी ऑप्शन, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। सी है, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। डी है, केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार का जो मतलब होता है वो होता है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, जिसमें दादा दादी वगैरह सारे लोग आ जाते हैं, तो वो संयुक्त परिवार होते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष से 21 वर्ष, 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, 18 वर्ष व 16 वर्ष? तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ए ऑप्शन है, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्कों के साथ रहते हो। बी है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। सी ऑप्शन है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। डी है, सुरक्षा एवं बच्चों का साक्षा उत्तरदायित्व। प्रश्न संख्या 6 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है, औपचारिक, अनौपचारिक, साक्षेप या निरपेक्ष? तो प्रश्न संख्या 7 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अनौपचारिक। प्रश्न संख्या 8, परिवार का अनिवार्य कार्य है प्रजनन, गाना बजाना, सेवा करना या कर्तव्य करना? तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्रजनन। 9वां प्रश्न है, पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण, बच्चे होना, धार्मिक होना या एक साथ रहना? तो देखिए, पारिवारिक जो विघटन होता है इसका मुख्य कारण यही होता है, औद्योगिकरण। ठीक है, 10वां प्रश्न, संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं एक पीढ़ी के सदस्य, दो पीढ़ी के सदस्य, कई पीढ़ियों के सदस्य या चार पीढ़ी के सदस्य? तो संयुक्त परिवार में आप अभी आपको बताया था कि कई पीढ़ी के लोग रह सकते हैं, तो उसी को संयुक्त परिवार कहा जाता है। 11वां प्रश्न देखिए, एकांकी परिवार का आधार होता है छोटा, बड़ा, निश्चित या अनिश्चित? तो एकांकी जो परिवार होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इसका आधार छोटा होता है। 12वां प्रश्न है, विवाह के बाद पति के पत्नी के घर रहने वाले परिवार को क्या कहते हैं, पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, संयुक्त परिवार या एकांकी परिवार? तो 12वां प्रश्न इसका बी ऑप्शन राइट होगा, मातृत्व स्थानीय परिवार।
13वां प्रश्न, परिवार का वंश पिता के नाम से चलने वाले परिवार को कहते हैं, पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, पुत्रवंशी परिवार या पुत्रवंशी परिवार। तो देखिए 13वां प्रश्न, और इसमें आप ए ऑप्शन क्या लगाएंगे, बिल्कुल राइट लाएंगे, पितृवंशी परिवार। प्रश्न संख्या 14, परिवार की सत्ता माता के पास होने वाले परिवार को क्या कहते हैं, पितृ सत्यात्मक परिवार, मातृ सत्यात्मक परिवार, संयुक्त परिवार या एकांकी परिवार। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार। प्रश्न संख्या 15, जिस परिवार में एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी हो उसे परिवार को क्या कहें, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, सी ऑप्शन है एक विवाही परिवार या संयुक्त विवाही परिवार। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा, बहुपति विवाही परिवार। 16वां प्रश्न देखेंगे, पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों वाले परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार, मूल परिवार, विघटित परिवार या संगठित परिवार। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा, मूल परिवार। अगला प्रश्न है 17वां, देखिए 17वां प्रश्न, परिवार में ग्रस्त समूह है इसके लेखक कौन है, जॉनसन ग्रीन, डुचिनिया, रूसेक। तो प्रश्न संख्या 17 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, लूसी मेयर। 18वां प्रश्न, संगठन और आकार के आधार पर विवाह के कितने प्रकार होते हैं, 3, 2, 4 या 5। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 2। 19वां प्रश्न, परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल है ये कथन किसका है, रूसेक का, डॉक्टर दुबे का, लॉक का या एडसन का। तो प्रश्न संख्या 19 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, रूसेक का। 20वां प्रश्न, समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, परिवार, गांव, बच्चे या राजा। तो प्रश्न संख्या 20 आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, परिवार। समाज की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था मानी जाती है परिवार को ही मानी जाती है। 21वां प्रश्न, किस दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार का निष्क्रिय संस्था है, व्यापार, कार्य कुशलता, जागरूकता, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, कार्य कुशलता। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में किसका समुचित विकास नहीं हो पाता है, स्त्री, बच्चे, व्यक्तित्व या उक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में किसका तेजी से विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संयुक्त परिवार। प्रश्न संख्या 24, परिवार में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, संयुक्त परिवार, समाज, एकल परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, एकल परिवार की। 25वां प्रश्न, कौन सा एक जैविकीय प्राणी है, मनुष्य, परिवार, संस्था या नगर। तो प्रश्न संख्या 25 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, मनुष्य। 26वां प्रश्न, भारत में मातृ सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं, खासी, गारो, केरल या उप सभी। तो 26वां प्रश्न इसका डी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उप सभी। 27वां प्रश्न देखेंगे, परिवार एक तिहाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, ये कथन है, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी परिवार के होते हैं। बी ऑप्शन सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। डी है सत्य है क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो प्रश्न संख्या 27 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 28वां प्रश्न देखेंगे, भैंस के बच्चे को कहते हैं बछड़ा, पडरू, पिल्ला या मेमना। तो बी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, ये कहते हैं उसको पडरू या पडरा। 29वां प्रश्न, मामा की पत्नी हमारी होगी, नानी, बहन, बुआ या मामी। तो डी ऑप्शन राइट होगा, मामी।
और प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल होते हैं कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या लूडो, तो आपको आंसर बताइए लूडो अक्सर घर के अंदर ही खेले जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रैक्टिस शेयर करने से होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तुरंत लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, टेक केयर।